हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट रन रेट की। जी हाँ, अभी आईपीएल जस्ट ख़त्म हुआ था तो हमें पता था कि कितने सारे क्लोज मैचेस हुए आईपीएल में और कितने सारे ऐसे एकदम डिसिसिव फैक्टर्स उसमें जुड़ गए, क्योंकि सभी टीमें इक्वली कॉम्पिटिटिव रहती हैं आईपीएल में। एंड इवन T20 एक ऐसा गेम है जहाँ पे कोई भी किसी को हरा सकता है, तो बहुत ही क्लोज हो जाता है। तो लास्ट में जो फैक्टर आता है वो आता है नेट रन रेट का। जी हाँ, यही जो फैक्टर है, बहुत बार लास्ट के दो टीमें तीन टीमें यही फैक्टर डिसाइड करता है कि कौन जाएगा प्लेऑफ्स में। और अभी यार T20 वर्ल्ड कप भी हुआ है तो आई एम होपिंग कि ये भी बहुत क्लोज होने वाला है। तो बहुत बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इतनी सारी कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, तो एक बेसिक सा हम फंडा देख लेते हैं कि नेट रन रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हमें रन रेट तो पता है क्या होता है। रन रेट हमारे पास क्या होता है, टोटल रन्स डिवाइडेड बाई ओवर्स, है ना, कि एक ओवर में कितने रन्स बने, ये हमारा रन रेट हो गया। अगर रन रेट 6 है तो एक ओवर में 6 रन, रन रेट 7 है तो एक ओवर में 60 रन। बट नेट रन रेट क्या होता है, तो नेट रन रेट एक मेजर है। ये क्या मेजर है कि आपने कितने रन बनाए वर्सेस आपने कितने रन खाए, यानी आपकी अपोजिट टीम ने कितने रन बनाए। तो सिर्फ रन बनाने का नहीं है, इट्स लाइक कि आपका रन रेट कितना है वर्सेस आपके अपोजिट टीम का रन रेट कितना है ना। तो आपका रन रेट वर्सेस आपका अपोजिट टीम का रन रेट, और तो इसको इसके जो टर्म्स यूज होते हैं वो होता है फॉर एंड अगेंस्ट। तो फॉर मतलब हो गया कि आपने कितने बनाए, आपका रन रेट कितना हुआ, और अगेंस्ट मतलब आपके अपोजिट टीम का रन रेट कितना हुआ। तो ठीक है, ये सब तो डेफिनेशन चलते रहेगा, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया वर्सेस पाक। मतलब ये तो लेना ही था, और क्या ही ले सकते हैं यार, बहुत बुरा हुआ। बट ठीक है यार, कभी ना कभी तो ये होना ही था, एज वी ऑल नो। ये क्या चलते ही, ये क्या 50-0 60-0 ऐसा तो होगा नहीं, और पाकिस्तान बहुत ही बढ़िया के लिए तो मानना पड़ेगा। तो खैर, जो भी डिसीजन हो, तो इंडिया वर्सेस पाक का नेट मैच का नेट रन रेट निकालते हैं, इंडिया और पाक दोनों का निकालते हैं। और सिंस ये पहला ही मैच था तो ये ओवरऑल नेट रन रेट यही हो जाता। तो सबसे पहले तो स्कोर्स देख लेते हैं कि क्या थे। तो ये देखो, स्कोर्स थे इंडिया 151 for 7 इन 20 ओवर्स। ठीक है, विकेट्स ज्यादा मैटर नहीं करते, ओवर्स एंड रन ज्यादा मैटर करते हैं, ये हम देखेंगे कैसे। और पाकिस्तान 152 इन 17.5 ओवर्स ओनली, तो 151 for 7। सो इंडिया था आपका, सो इंडिया का हो जाएगा इंडिया 151 इन 20 ओवर्स, है ना, और पाकिस्तान 152 इन 17.5 ओवर्स। सो ये 17.5 ओवर्स नहीं बोलेंगे, ये हम बोलेंगे 17 ओवर्स एंड 5 बॉल्स। ठीक है, तो 17 ओवर्स एंड 5 बॉल्स को जब मैं पॉइंट में करूंगा, ठीक है, तो अब पॉइंट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6, तो ये हो जाएगा 0.833333। ठीक है, तो ये हो जाएगा 152 डिवाइडेड बाई 17.833333 वट एवर। तो अब इसका इंडिया का रन रेट निकाल लेते हैं। तो इंडिया का रन रेट कितना था, 151 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा 151 डिवाइडेड बाई 20, तो ये है आपका 7.55। सिमिलरली इसका रन रेट क्या हो जाएगा, 152 डिवाइडेड बाई 17.833333, ऐसे मल्टीपल टाइम्स कर दो, ये हो जाएगा 8.523। सो ये हो जाएगा 8.523। अब हमें इंडिया का नेट रन रेट निकालना है। सो इंडिया का नेट रन रेट हो जाएगा फॉर माइनस अगेंस्ट, तो फॉर है इसका 7.55, ठीक है, तो ये इसका फॉर है और ये इसका अगेंस्ट है इंडिया के लिए। ठीक है, ये इंडिया के लिए, तो माइनस 8.523, तो ये आपका आ जाएगा 15 में से, या फिर मैं यही कर लेता हूँ ना, तो ये इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो बात सेम हो जाएगी 7.55, तो 0.973। सो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 0.973। तो ये आपका इंडिया का नेट रन रेट है। और पाकिस्तान का क्या नेट रन रेट है, सिमिलरली इसको माइनस कर दो तो ये प्लस 0.973।
3। तो यहां से हमारा इंडिया और पाकिस्तान का नेट रन रेट आ गया, तो फॉर माइनस अगेंस्ट जस्ट, बस इतना। पाकिस्तान के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर हो जाएगा और ये अगेंस्ट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं, ये मैंने उस टाइम का पेज निकाला है, ये देखो 0.973 और ये माइनस 0.973 इंडिया और पाकिस्तान का। यहाँ पे ESPN क्रिक इन्फो में क्या फॉर और अगेंस्ट भी देते हैं, तो ये आपको इजी हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल था। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इंडिया ने तो सेकेंड मैच खेला ही नहीं है, बट पाकिस्तान ने सेकेंड मैच खेला है कल ही, आपका न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड को भी हरा दिया यार। पाकिस्तान इज ऑन फायर भाई, बच के रहना। मुझे तो लग रहा है कि अगर इंडिया अच्छा खेली तो इंडिया वर्सेस पाक फाइनल हो सकता है, तो मजा आएगा, देखते हैं। तो न्यूजीलैंड का स्कोर कितना था, तो ये भी हम देख लेते हैं, ये बाजू में ही है। सो न्यूजीलैंड वाज 134/8 इन 20 ओवर्स और ये 135 इन 18.4 ओवर्स। सो 134 इन 20 ओवर्स और पाक है 135 इन 18.4 नहीं है, 18 ओवर्स एंड 4 बॉल्स, ठीक है। तो ये है 135 और 4 बाई 6 मतलब 2 बाई 3, तो ये 18.666 ऐसा 7 डाल दो, ठीक है। तो 134 बाई 20 कितना हो जाएगा, 134 बाई 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.7 और इसका रन रेट हो जाएगा आपका 135 बाई 18.6666 एंड 7 लास्ट में डाल दो, ठीक है। तो 7.232, तो ये नेट रन रेट हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, सॉरी पहले न्यूजीलैंड के लिए निकालते हैं ना। सो न्यूजीलैंड ने सिंस एक ही मैच खेला है, तो न्यूजीलैंड के लिए हो जाएगा 6.7 माइनस 7.232, तो ये हो जाएगा इसमें से माइनस 6.7 कर देते हैं, तो ये 0.532, तो ये माइनस हो जाएगा 0.532। तो न्यूजीलैंड का देख लेते हैं कि क्या है, तो मेरे पास आई थिंक न्यू वाला है इधर, तो न्यूजीलैंड देखो 0.532 एग्जैक्ट आ गया। बट पाकिस्तान के लिए हम नहीं निकाल सकते, पाकिस्तान के लिए हमें थोड़ा इंडिया और पाक, इंडिया वर्सेस पाक एंड पाक वर्सेस दोनों मैचेस के स्कोर्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान के रन्स देखो कितने, पाकिस्तान का फॉर एंड अगेंस्ट, सो फॉर पाक हमें निकालना है फॉर, फॉर मतलब पाकिस्तान ने कितने बनाए। तो पाक का फॉर देखो 135 यहां बनाए और 152 यहां बनाए, तो 135 एंड 152 इज 287 आई थिंक, या 287 और ये हो जाएगा 18.4 एंड 17.5, तो 4 का एक इधर दो तो 18 हो जाएगा, 36 ओवर एंड 3 बॉल है ना, 36 ओवर एंड 3 बॉल में 287 बनाए, या 287 ही है, तो ये हो जाएगा 287 डिवाइडेड बाई 36.5 है ना, ये इसका फॉर है। तो इसका रन रेट निकाल लेते हैं 287 बाई 36.5, क्योंकि 3 बॉल्स मतलब 0.5 ओवर्स, तो 287 डिवाइडेड बाई 36.5 7.863, तो ये हो जाएगा 7.863। अब निकालते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट कितने रन बने, ठीक है। तो अगेंस्ट बने इंडिया ने, न्यूजीलैंड ने बनाया 134, इंडिया ने बनाया 151, तो ये टोटल हो जाएगा 285। सो 285 इन 40 ओवर्स, दोनों ने 20-20 ओवर खोले खेले, तो ये हो जाएगा 40 का 10 हो 28.5, उसका आधा करो 14.25, फिर उसका आधा करो 7.125, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना। तो ये हो जाएगा 7.125, इसमें से मैं माइनस करूंगा 7.125, तो ये आ जाएगा 0.738। तो ये हो जाएगा नेट रन रेट फॉर पाकिस्तान इज इक्वल टू 7.863 एंड 7.125, 0. कितना था 738, ठीक है। तो पाकिस्तान का भी देख लेते हैं यार, तो ये देखो पाकिस्तान का है 0.738, भाई क्या सही कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ मैचेस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ये आपको सारे मैचेस के कैलकुलेशंस आपको फॉर एंड अगेंस्ट के सबके जोड़ के, सबके रन, सबके ओवर जोड़ के करने पड़ेंगे धीरे धीरे। अब बोलोगे भैया ये तो
विकेट्स का तो आपने 10 विकेट से जीता तो भी कोई विकेट का तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ ओवर्स और रन का। तो यार यही है यार, मुझे लगता है कि इसमें एक और फैक्टर जुड़ना चाहिए, विकेट्स का भी फैक्टर जुड़ना चाहिए नेट रन रेट में। मतलब नेट रन रेट के अलावा नेट कुछ स्ट्राइक रेट या कुछ विनिंग रेट या कुछ ऐसा बोलते हैं, जिसमें विकेट्स का भी फैक्टर जुड़ना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। हाँ, बट एक तो विकेट का फैक्टर है, अगर आप वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच का एग्जाम्पल लो, तो विकेट का फैक्टर कब आता है, जब टीम ऑल आउट हो जाती है। तो वेस्ट इंडीज भैया ऑल आउट हो गई थी, तो वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गई थी 55 पे। तो जब ऑल आउट होते हैं तो क्या होता है, ये 14.2 ओवर्स काउंट नहीं होता है। जब आप ऑल आउट हो गए मतलब आपने 20 ओवर खेल लिए, ठीक है, ऐसे मानते हैं। तो वेस्ट इंडीज का जब रन रेट कैलकुलेट होगा तो 55/20 होगा, ना कि 55/14.2। तो ये देख लेते हैं, तो वेस्ट इंडीज का हो जाएगा 55/20, क्योंकि टीम ऑल आउट हो गई मतलब 20 डायरेक्ट काउंट हो जाएगा। तो 55/20 कितना हो जाएगा, 5.5, एंड यानी 2. आई थिंक 7.5 है ना। और इंग्लैंड का देख लो कितना है, इंग्लैंड का है यहाँ पे 8.2 ओवर्स में 56। सो 56 और 8.2 ओवर्स, मतलब दो बॉल का, मतलब 2/6 इज 1/3, सो 8.333 ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56, 56/8.3333, तो ये हो जाएगा 6.72। ओके, सो अब मुझे इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज किसी का भी निकालना है, तो वेस्ट इंडीज का हो जाएगा 2.75 - 6.72, तो ये हो जाएगा -2.75, तो ये हो जाएगा 3.97, यानी -3.97। तो अब देख लेते हैं ओल्ड वाले में, ये ओल्ड पेज है। तो वेस्ट इंडीज का देखो -3.97 आ गया, और इसका फॉर देखो क्या लिखा है, 55/20। तो बस विकेट का इतना ही इफेक्ट आता है भाई, कि जब टीम ऑल आउट हो जाए तो 20 ओवर्स काउंट होते हैं। तो आप बताओ यार कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि ये सही है कि नहीं। विकेट्स भी मुझे लगता है नेट रन रेट में या विनिंग रेट में विकेट्स का भी कुछ तो हाथ होना चाहिए, सिर्फ बॉल एंड रन में। पाकिस्तान देखो यार 10 विकेट से जीता है, मतलब क्या भारी जीता है इंडिया से, स्टिल उसका रन रेट सिर्फ 0.9। एंड न्यूजीलैंड से भी कितने सही तरीके से जीता है, स्टिल रन रेट घट के 0.5 पे आ गया, नहीं, पाकिस्तान का 0.7 पे आ गया है 0.9 से। सो मुझे लगता है विकेट्स 10 विकेट से जीता है यार, कुछ तो और मेडल वेडल मिलना चाहिए था इनको, बहुत ही शानदार जीत थी। तो ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो, और कमेंट सेक्शन में बताओ आपके क्या राय है, क्या विचार है इस बारे में। और ऐसे ही वर्ल्ड कप देखते रहो, इंडिया को चीयर करते रहो, हम जीतेंगे यार, एक एक हार से कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छी टीम है अपनी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।